एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सनावद मंडी मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने संज्ञान लिया और दोषी लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सनावद मंडी में करीब 192 किसानों का पैसा लेकर भागे व्यापारी पर कार्रवाई करने के निर्देश कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों को दिए हैं। इस व्यापारी के गोदाम में रखा 7200 बोरी चना, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए है, उसे भी जब्त कर अथर्व इंटरप्राइजेस गौरांग ट्रेडर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी बोर्ड के संभागीय कार्यालय इंदौर के वरिष्ठ अधिकारी वशिष्ठ को जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद एक टीम तत्काल सनावद मंडी मौके पर पहुंची, जिसने विवेचना के बाद प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए अधिकारी कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने के अनुशंसा की है। विवेचना कर रही टीम ने व्यापारी के गोदाम में रखे 7200 चने की बोरियों को भी जब्त किया है। कृषि उपज मंडी सनावद जिला खरगोन में अथर्व इंटरप्राइजेस गोरांग ट्रेडर्स के द्वारा किसानों से डॉलर चना खरीदा गया था, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया और फरार हो गए। किसानों ने 13 जून को मंडी समिति में इसकी शिकायत की, 14 जून को थाने में FIR कराई गई और उनके गोडाउन जहां पर ये चना रखा था उसको सीज किया गया। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के हमने निर्देश दिए हैं और किसानों का पूरा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे मंडी इंदौर को मैंने निर्देशित किया कि जाके जांच करें। उन्होंने जांच भी की है। आज ही हमने हमारे निर्देश पर 5 किसानों को भुगतान 1,53,000 का RTGS के माध्यम से बैंक के द्वारा कर दिया गया है। बाकी 192 किसानों का भुगतान जो लगभग 3,17,70,338 रुपया है, वो भी मैंने निर्देश दिए करने के। कल 2:30 बजे मैं मंडी बोर्ड से सनावद मंडी में किसानों से चर्चा करूंगा और सीधे चर्चा करके जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। किसान भाइयों, आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना देता हूं। यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही है। हमारी सरकार गाँव, गरीब और किसानों की सरकार है। हम किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाला चाहे कोई भी हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।